हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज में रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए रेशनल और इरेशनल क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में, जिसमें क्यू क्या होता है, नॉन जीरो। दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था जो रूट की फॉर्म में होते हैं उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, और इसमें पी क्या होना चाहिए, या तो जीरो या पॉजिटिव इंटीजर। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब देखिए, अब एक होता है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर किसका सम होता है, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या कह रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए भाई, हर इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, यस, क्योंकि रियल नंबर किसका सम है, रेशनल और इरेशनल का। तो हर इरेशनल रेशनल रियल नंबर होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखिए भाई, हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट एम की फॉर्म का है, ठीक है चलो, लेकिन ये कह रखा है एम एक नेचुरल नंबर है, ऐसा नहीं है। M होल नंबर होगा, M क्या होगा, होल नंबर, क्योंकि रूट जीरो का भी तो जीरो बन सकता है, बन सकता है ना, तो नेचुरल नंबर हो, इससे इस कंडीशन को नहीं लगा सकते, ऐसे यहाँ पे फॉल्स आएगा। और दूसरा, नेगेटिव भी आ सकते हैं रूट के अंदर माइनस दो। नेक्स्ट है हमारा, एवरी पॉइंट रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है, क्योंकि रियल तो किससे बड़ा है भाई, रेशनल, और रियल किससे बड़ा है, इरेशनल, दोनों से बड़ा है ना, दोनों से बड़ा है, तो रियल रेशनल या इरेशनल थोड़ी ना होगा। रेशनल क्या होंगे, रियल, इरेशनल भी क्या होंगे, रियल। इससे ये वाला हमारा क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते, नहीं होते। जैसे चार, चार किसका रूट होता है भाई, दो का। नाइन, नाइन का रूट क्या होता है, थ्री। सोलह का रूट क्या होता है, चार। तो लेकिन ये कैसे नंबर है, रेशनल है ना, तो सभी इरेशनल नहीं हुए। नेक्स्ट हमें बताना है रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये कैसे करेंगे, रूट फाइव सबसे पहले हम बताएंगे रूट फाइव आएगा कैसे। देखो भाई, दो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, तो रूट फाइव बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, इसका ओरिजिन ओ नाम दे दिया। अब मैं टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेती हूँ ए, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाऊंगी, 90 डिग्री एंगल बन गया। फिर उसके बाद इसको कितना कट करना है मुझे, वन, तो मैं इसको वन कट कर दूंगी और इसको ओरिजिन के साथ मिलाऊंगी, मिला दिया। अब मैं इसको ऐसे प्रकार को रख के ऐसे डैश लाइन लगाऊंगी, लगाया, तो ये जो हमारी आर्क बनी है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है रूट फाइव को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे रूट टू का बनाना हो, तो रूट टू का कैसे बनेगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और उसका रूट दो बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ओरिजिन, एक सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, इसको कितना कट कर देंगे भाई, वन, इसको इससे मिला दिया और सेम ऐसे हमने लाइन ड्रॉ करी, तो बन गया ना रूट टू। अब रूट थ्री बनाने के लिए रूट टू के ऊपर ही बनेगा, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो दो प्लस एक कितना आएगा, तीन आएगा ना, तो इसका मतलब अब मैं इस वाली लाइन पर 90 डिग्री एंगल बनाऊंगी। देखिए कैसे, इस तरीके से आप आर्क लगाएंगे, ठीक है, इसको कितना कट करेंगे, वन, ओरिजिन के साथ मिला देंगे। अब मैं प्रकार को यहाँ रखूँगी और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, इस तरीके से ड्रॉएगी और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी रूट थ्री को। इस तरीके से करते करते हम सभी नंबर्स का कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।